वेलकम टू डीएनपी इंडिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के अलावा उनके बेटे तैमूर अली खान अक्सर अपनी क्यूटनेस को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी फोटो हो या वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होती है। लेकिन अब सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर हाल ही में बड़ी खबर आई है। दरअसल करीना कपूर एक बार फिर मम्मी बनने जा रही हैं, तो वहीं तैमूर अली खान भी अब बड़े भाई बनने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद सैफ और करीना ने शेयर की है। करीना कपूर और सैफ अली खान ने कहा, हमें ये घोषित करते हुए काफी खुशी हो रही है कि हम अपने परिवार में एक नए सदस्य के आने की उम्मीद कर रहे हैं। आप सभी की दुआओं का धन्यवाद। बता दें कि करीना कपूर की प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें केवल परिवार और कुछ खास दोस्तों को ही मालूम थी। करीना कपूर खान दूसरी बार प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली हैं। बुधवार को सैफ और करीना ने आधिकारिक रूप से इसकी अनाउंसमेंट की। करीना के प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद से सभी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। करीना की बहन और ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर ने भी सोशल मीडिया पर करीना को बधाई दी। साथ ही अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने भी करीना को बधाई दी। करीना ने दोनों का शुक्रिया अदा किया है। रिधिमा ने करीना के साथ की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, बधाई हो बेबो और सैफ। मालूम हो कि करीना दोनों रिधिमा और रिया के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। रिया के साथ उनकी दोस्ती की काफी चर्चा रहती है। मालूम हो कि करीना कपूर खान सैफ अली खान की दूसरी पत्नी हैं। सैफ की पहली पत्नी अमृता सिंह से सैफ को दो बच्चे सारा अली खान और एक इब्राहिम अली खान है। करीना कपूर खान से सैफ अभी एक बेटा है जिसका नाम तैमूर है। अब करीना दोबारा माँ बनने वाली है। इस गुड न्यूज से करीना के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना कपूर जल्द ही लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी शुरू कर सकती हैं। बता दें कि तैमूर अली खान के समय भी भले ही करीना कपूर ने अपने आप को फिल्मों से दूर कर लिया था, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया था। करीना कपूर और सैफ अली खान ने 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 16 अक्टूबर 2012 में शादी की थी। इसके बाद करीना कपूर ने 2016 में अपने पहले बच्चे यानी तैमूर अली खान को जन्म भी दिया था। करीना कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इसके अलावा करीना कपूर करण जौहर की तख्त में भी नजर आ सकती हैं। आखिरी बार एक्ट्रेस फिल्म अंग्रेजी मीडियम में दिखाई दी थी। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नए वीडियोस और ताज़ा खबरें। सटीक जानकारी के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।